हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पीवीसी ट्रंकिंग का कैसे 90 डिग्री और 45 डिग्री का एल्बो बनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये ट्रंकिंग है और इसका साइज जो है वो 25x16 mm है और इसका मैं अभी आपको 90 डिग्री का एल्बो और 45 डिग्री का एल्बो बना के दिखाऊँगा, और वो भी किस चीज़ से, ये इस टूल से मैं आपको बता के दिखाऊँगा। इसके ये कैंची अगर आप एक बार यूज़ करेंगे ना, वैसे तो आप बहुत सारा चीज़ यूज़ करते होंगे, लेकिन एक बार आप कैंची यूज़ करें तो उसकी तो बात ही अलग है। चलिए मैं बताता हूँ, अभी हमें इसका डिग्री काटना है तो हम उसको नीचे रखना है और सेम साइज का एक छोटा सा पीस लेना है और उसको ऊपर रखना है और इस तरीके से मार्किंग कर लेना है, पहली लाइन और ये दूसरी लाइन, फिर ये तीसरी लाइन। अब क्या करना है, एक इधर से क्रॉस, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ऐसे, और एक ऐसे, अब यह आपको दिख रहा है एम के जैसा आपको दिखता होगा। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम दो कट करेंगे, एक ये साइड में सेम इस लाइन के सीधा इधर काटना है, इधर भी इस लाइन के सीधा इधर काटना है। ये काटने के बाद में इसे सीधा करना है क्योंकि आपको कैंची फिर इधर काटने में दिक्कत ना हो। तो देखिए अब मैं यहाँ से क्रॉस कटिंग करूँगा, एकदम अच्छे से कटिंग करना है सीधा और हाथ बचा के। उधर का मैंने काट दिया है, अब मैं इधर का काटने जा रहा हूँ। तो देखिए अब ये हमारा जो है 90 डिग्री का एल्बो बनके रेडी है, एकदम आपके आँखों के सामने कोई भी गैप नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। इधर में क्या करना है, थोड़ा अच्छे से प्यार से इसको दबाना है तो आपका कॉर्नर बहुत क्लियर निकलेगा। तो देखिए इधर भी ओके है और इधर भी ओके है। आप एक बार कैंची यूज़ करें, आपको समझ में आ जाएगा कितना फिनिशिंग इससे कटिंग होता है। तो मैं आपको अभी ये हमारा 90 डिग्री हो गया, अब इधर मैं 45 डिग्री बताता हूँ। तो 45 डिग्री भी काटने के लिए सेम प्रोसीजर है, तीन लाइन उधर भी और तीन लाइन इधर भी। तो देखिए मैं इसके ऊपर रख दिया हूँ एक लाइन, एक लाइन इधर। फर्क यह है दोनों का, आप तो 95 डिग्री का देखें, तीन लाइन उसमें भी मारें और तीन लाइन इसमें भी मारेंगे तो दोनों का जो गैप है वो कितना है, उसका 90 डिग्री कटिंग करने के लिए 25 का है तो 25 mm गैप देना है, दो गैप उसके सेंटर में कटिंग करना है। और ये हमें 45 डिग्री बनाना है तो इसका हमें तीन लाइन बनाना है। तो अब इसके बीच में एक अंदाज़ा हम सेंटर निकाल लेते हैं और यहाँ से एक सेंटर में एक और लाइन इस तरीके से मार देते हैं। तो चलिए फिर इसको यहाँ से क्रॉस करते हैं, देखिए ये क्रॉस कर लिया, फिर एक यहाँ से क्रॉस कर लेंगे। अब क्या करना है, जैसे उसे काटे हैं 90 डिग्री को इसी तरीके से इसे भी कटिंग कर लेंगे, देखिए यहाँ और यहाँ, फिर इसको भी सीधा कर लेंगे, फिर यहाँ बहुत ही अच्छे से काटना है हाथ बचा के, अच्छे से काटना है मतलब सीधा काटना है, नहीं तो आपको बीच में गैप दिखाई देगा। तो ये देखिए आपका 45 डिग्री बन के रेडी है, कहीं भी आपका कोई गैप नहीं दिखता होगा। इसको क्या करना है, हल्का सा ऐसे हाथ से ये करना है तो आपको क्या है फिनिशिंग दिखेगा कौन आए। तो ये आपका 90 डिग्री है, वैसे तो आपको गलत दिखता होगा लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये 90 डिग्री है, ये जो हमारा है ये 90 है, ये 45 है, ठीक है।
इस तरीके से करके दिखाते हैं, आपको सीधा दिखाई देगा, ठीक है। तो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, हो सके तो फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, और अपना ख्याल रखें और अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।